नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ओट्स पोहा का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है, सरसों तेल ले लिए हम, टमाटर ले लिए हैं, प्याज, हरी मिर्च और नींबू, ओट्स ले लिए हैं, हरा मटर है, चीनी है, नमक, राई और उड़द दाल, धनिया पत्ता और पानी। तो सबसे पहले हम ओट्स को एक प्लेट में डाल लेंगे। आधा कप ओट्स है, इसमें हम एक एक चम्मच पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस तरह से हम एक एक चम्मच पानी डालेंगे और इसको मिलाएंगे ताकि हमारा ओट्स नरम हो जाए और एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ओट्स बहुत जल्दी पानी आते ही सब चिपक जाता है, गलने लगता है, तो इसलिए हम एक एक चम्मच पानी डाल के इसको अच्छी तरह से नरम कर लेंगे और एक दूसरे के साथ चिपकेगा भी नहीं। तो आधा कप ओट्स में हमें 3 चम्मच पानी लगा है। अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मिला लेते हैं और कोई भी चिपक गया है तो उसको हाथ से हम सही कर लेंगे। तो हमारा ओट्स अभी अच्छी तरह से नरम हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं अलग। और अभी हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम सरसों तेल डाल लेंगे। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें राई और उड़द दाल डाल देंगे। उड़द दाल से बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है, इसीलिए उड़द दाल हम डालते हैं। राई तड़कने लगे और उड़द दाल हल्का सा लाल होने लगे तब हम प्याज डाल देंगे। और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब हमारा प्याज हल्का सा लाल होने लगे तब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। देखिए हमारा प्याज और हरी मिर्च अच्छी तरह से भुना गया है, प्याज लाल होने लगा है, तब हम इसमें मटर के दाने डाल देंगे। और इस समय हम नमक डाल देंगे ताकि हमारा मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा मटर भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और नरम हो जाए। अब 2 मिनट हो गया है, हम ढक्कन खोल लेते हैं। हमारा मटर अच्छी तरह से सीज गया है और अभी हम इसमें थोड़ा मसाला डाल देंगे। अभी तो अभी हम 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल दिए और 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिए हैं और इसको थोड़ा देर चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मसाला को ज़्यादा देर भूनना नहीं है, मसाला डालते इसमें टमाटर डाल देना है ताकि हमारा मसाला जले नहीं। और टमाटर सॉफ्ट होने के लिए हम इसमें ढक्कन फिर से लगा दिए हैं और थोड़ी देर बाद जब हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। और इसमें हम ओट्स डाल देंगे। ओट्स अभी हमारा एकदम फूल गया है
और एकदम ही खुला खुला है, तो ओट्स को हम अभी सब मिला लेंगे मसाला के साथ। और अभी हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला देंगे। और इस समय में अगर आप थोड़ा सा हल्का सा पोहा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं, नहीं तो मत डालिए। अभी हम इसको ढक दिए, हमारा पोहा बन के रेडी हो गया है। 2 मिनट के लिए ढक दिए थे, उसके बाद हमारा पोहा अच्छी तरह से ओट्स पोहा फूल के रेडी हो गया है। तो अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है ओट्स पोहा, एकदम हेल्दी तरीका से बना है। और इसके ऊपर हम डाल देंगे अभी धनिया पत्ता और प्याज। तो हमारा ओट्स पोहा खाने के लिए रेडी है, बहुत ही हेल्दी पोहा बना है। तो अभी हम इसको खा के भी देखते हैं कैसा बना है। बहुत ही अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बहुत ही खुला खुला, बिल्कुल ही चिपका नहीं ओट्स। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।